अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना, आपकी मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। रोमियो की पुस्तक 8:13 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जीवित रहोगे। यीशु ने यहाँ साफ साफ कहा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। गलातियों 6:8 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अभी समय है, लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए, वरना बाद में आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यूहन्ना 2:16-17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड हुआ पिता की ओर से नहीं है मेरे प्रियो, वह संसार की ओर से ही है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो कुछ जगत में है यानी शरीर की अभिलाषा, इच्छा चाहत हसरत लोभ लालच और आँखों की अभिलाषा और जिंदगी का घमंड अहंकार, यह परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह सब संसार की तरफ से शैतान की तरफ से है मेरे प्रियो। संसार और शैतान की अभिलाषाएं इच्छाएं ये सब एक दिन धीरे धीरे मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमें मुख्य तीन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम व्यभिचार से बचे रहें, व्यभिचार करने का मन ना हो। नंबर 1, वचन में हमने पढ़ा शरीर की अभिलाषा, क्या आप जानते हैं शरीर की इच्छा क्या है? अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना, और ये सच भी है। सुनो, सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना, लड़की को पटा कर रात भर फोन से बात करना, लड़की को लाइन देकर उसको कैसे पटाए दिन रात यही सोचते हैं। आज कैसे करके लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, लेकिन वे मसीही यह भूल चुके हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम अपनी ही आत्मा को नाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि शैतान का एक ही मकसद है, अपने साथ करोड़ों लाखों आत्माओं को नरक में ले जाना। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं आँखों की अभिलाषा एवं इच्छाएं क्या हैं? तो सुनो, सेक्स वीडियो देखना, लड़की को आँख मारना और लाइन देना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, यही सब हैं शैतान की आँखों की इच्छाएँ और अभिलाषाएँ, ये सब एक दिन मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तीसरी बात, जीवन का घमंड, जो कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल के लिए दिखाएंगे, कल करके दिखाएंगे, वे अपने जीवन का घमंड कहते हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं है कल का दिन किसने देखा है। ये जीवन तो एक भाव के समान है, आज है तो कल नहीं है, ऐसा घमंड करना बेकार होता है मेरे प्रियो। जो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, लड़का लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं, वे विचार करने के लिए मनाते हैं, मौका ढूंढते हैं, वे लोग मरने के बाद आग में नंगे ही डाले जाएंगे, जहाँ किया कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा वहाँ पर सारी सेक्स की गर्मी निकल जाएगी। जब नरक में कीड़े काटेंगे साथ में आग भी जलाएगी, इसलिए सावधान हो जाओ, पाप से बचे रहो, ताकि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर स्वर्ग चले जाना। है मेरे प्रियो, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वह पाप करके नरक में जाना चाहते हो। वहाँ भैया 1-2 दिन के नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, युगानियों के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नरक का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह रैप्चर में आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा, जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, उसी को परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा। बाकी सब यही रहेंगे जिंदा जलने के लिए, खून पीने के लिए। अभी समय है, अभी मौका है, छोड़ दो और लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है मेरे प्रियो। जब खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे, शैतान का नहीं, तो परमेश्वर ने पहले ही शक्कर दिया था, वो तो उस नरक में जाएगा बाबा, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि आप उसके पीछे पीछे पाप करके नरक में जाना चाहते हो। वहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्रियो, क्यों नहीं मेरे भाई, छोड़ दो गंदी लते और लौट आओ यीशु के पास, क्यों अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो।
मेरे प्रियो, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, मगर पाप सेवा बहुत ही नफरत करता है। पाप सेवा हजारों किलोमीटर दूर रहता है मेरे प्रियो। जो लोग आज गए हैं मर कर, जो लोग कल गए हैं मर कर, वे दुआ कर रहे हैं कि काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए। इतनी हार्ड डाग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है वहाँ आपको डाला जाएगा। अभी समय है, छोड़ दो मेरे प्रियो, छोड़ दो। क्यों परमेश्वर के हाथ में पढ़ना चाहते हो भाई? जीवते परमेश्वर के हाथ में पढ़ना एक अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ मेरे भाई, छोड़ दो। क्यों अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो? अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को नरक जाने से।